बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बात करने वाले हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव रिलेटेड डिसऑर्डर्स का जो एक डिसऑर्डर है, दैट इज बॉडी डिसमॉर्फिक डिसऑर्डर। मैंने आपको आखिरी लेक्चर में बताया था, पिछले लेक्चर में जब मैंने ओसीडी पढ़ाया था, मैंने आपको बताया था कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जो था वो पहले डीएसएम 4 टीआर में जो था वो एंजाइटी डिसऑर्डर्स के अंदर पाया जाता था। लेकिन व्हेन अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन लॉन्च्ड DSM-5, उन्होंने ओसीडी यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर को एंजाइटी डिसऑर्डर से निकाल के एक अलग कैटेगरी उसकी बना दी, जिसको हम ऑब्सेसिव कंपल्सिव एंड रिलेटेड डिसऑर्डर का जो है वो नाम देते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने ये शुरू किया था ऑब्सेसिव कंपल्सिव एंड रिलेटेड डिसऑर्डर। उसके अंदर सबसे पहला डिसऑर्डर था ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, यानी रेपिटेटिव थॉट एंड परसिस्टेंट या रेपिटेटिव बिहेवियर डिसऑर्डर जिसको हम कहते हैं। आज जो हमारा अगला डिसऑर्डर है, दैट इज बॉडी डिसमॉर्फिक डिसऑर्डर। बॉडी डिसमॉर्फिक डिसऑर्डर जो है वो भी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कैटेगरी में आता है। क्यों? क्योंकि एक मैंने आपको निशानी बताई थी कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव रिलेटेड डिसऑर्डर वो कैटेगरी है जिसमें वो तमाम डिसऑर्डर पाए जाते हैं जिनके अंदर थॉट्स और एक्शंस या बिहेवियर्स जो है वो मौजूद। अब ऑब्सेशन का मतलब मैंने आपको बताया था कि थॉट्स होता है, कंपल्शन का मतलब होता है बिहेवियर। तो ऐसे तमाम डिसऑर्डर जिनमें इंसान के माइंड में थॉट्स आती रहे और उन थॉट्स के नतीजे में एंजाइटी क्रिएट होती रहे, परेशानी क्रिएट होती रहे, और उस परेशानी को खत्म करने के लिए इंसान फिर डिफरेंट बिहेवियर करे, कंपल्शंस करे, उसको हम ऑब्सेसिव कंपल्सिव एंड रिलेटेड डिसऑर्डर कहते हैं। उसका पहला डिसऑर्डर था ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, और उसका दूसरा डिसऑर्डर जो है वो है बॉडी डिसमॉर्फिक डिसऑर्डर। बॉडी डिसमॉर्फिक डिसऑर्डर का मैं आपको मेन आइडिया बता देता हूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर करवा देता हूँ, उसके बाद हम आगे पढ़ भी लेते हैं, लेकिन जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो पढ़ना आपके लिए आसान हो जाएगा, समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। बॉडी डिसमॉर्फिक डिसऑर्डर, बॉडी जिसम डिसमॉर्फिक यानी उसकी जो मॉर्फी है, जो उसकी डिफॉर्मेशन है, ठीक है, उसमें जो है वो कोई फ्लॉ, डिसमॉर्फिक मीन के उसकी उसकी जो स्ट्रक्चर है, उसकी जो शेप है, उसमें कोई फ्लॉ, और जब ये ज्यादा हद से बढ़ जाए, जो फीलिंग थॉट्स बॉडी डिसमॉर्फिक के जो थॉट्स हैं, बॉडी फ्लॉ के जो थॉट्स हैं, बॉडी डिफॉर्मेशन के जो थॉट्स हैं, डिसफॉर्मेशन के जो थॉट्स हैं, जब वो हद से ज्यादा बढ़ जाए तो उसको हम डिसऑर्डर कहते हैं। जब वो फिर एक बीमारी क्रिएट करते हैं, साइकोलॉजिकल बीमारी जो है वो पैदा कर देता है ये थॉट्स, उसको हम बॉडी डिसमॉर्फिक कहते हैं। अच्छा, उसमें होता क्या है? बॉडी डिसमॉर्फिक डिसऑर्डर या BDD भी हम इसको कहते हैं एब्रीवेशन में, इसमें बेसिकली होता क्या है, इंसान को अपने जिस्म के अंदर कोई फ्लॉ फील होता है, उसको लगता है कि मेरी या आंख सही तरह से नहीं बनी या मेरे बाल सही नहीं है, ठीक है। ये एक बात याद रखें, ये फ्लॉ या तो बिल्कुल मौजूद नहीं होता इंसान के अंदर, उसको खुद ही से फील हो रहा होता है, ठीक है, या फिर क्या होता है, उसको थोड़ा बहुत नुक्स होता है, जिस तरह आंख का थोड़ा सा छोटा या बड़ा हो जाना, बालों की रंगत का मसला होना, या बाल थोड़े कम घने होना, या जो बाजू जो है, शोल्डर जो है वो थोड़ा सा ऊपर या नीचे, मतलब इतना नहीं कि वो फील हो, बहुत मुश्किल से अगर आप नोटिस करेंगे तो वो आपको नजर आएगा, अदरवाइज वो फील नहीं हो रहा, लेकिन पेशेंट को वो एक परेशानी क्रिएट हुई हुई होती है, उसके दिमाग में थॉट्स पे थॉट्स आ रहे होते हैं कि ये मेरी आंख छोटी है, ये बड़ी है, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में, फिर वो ये सारी जो है वो ऑब्सेशन है, थॉट्स है, ठीक है, बार बार उसके जहन में थॉट्स आ रहे हैं कि मेरे बाल जो हैं वो इतने घने नहीं है, मेरा सर नजर आ रहा है दरमियान में से, या मेरा एक कंधा जो ऊपर लग रहा है एक नीचे लग रहा है, या मेरी जो बॉडी है मैं बहुत मोटा हूँ या बहुत पतला हूँ, या इस तरह करके जो है वो माइनर से जो है वो डिफेक्ट्स होंगे, या तो ये डिफेक्ट बिल्कुल नहीं होंगे या माइनर से होंगे, जो कि आमतौर पर जो है वो नोटिस नहीं किया जा सकता होगा, लेकिन पेशेंट के माइंड में ये हर वक्त छाए रहेंगे, पेशेंट के माइंड में हर वक्त इस तरह के थॉट्स आते रहेंगे कि अब ये मसला है, ये मसला है, फिर क्या करेगा, ये हो गया ऑब्सेशंस, ठीक हो गया। मैंने आपको बताया ना कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव रिलेटेड डिसऑर्डर की कैटेगरी में आ रहा है, तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव रिलेटेड डिसऑर्डर कैटेगरी में वही डिसऑर्डर आएंगे जिनमें थॉट्स और एक्शंस होंगे, बिहेवियर होंगे, यानी ऑब्सेशंस भी होंगे, कंपल्शंस भी होंगे। अब पेशेंट जो है वो बार बार उसको ऑब्सेशंस हो रहे हैं अपनी बॉडी की डिसमॉर्फिसिटी से रिलेटेड, फंक्शनिंग
फॉर्मेशन से रिलेटेड, ठीक है, और उसके नतीजे में वो कंपल्शन क्या करता है, एक्शन क्या करता है, बिहेवियर क्या करता है, वो बार बार जाके जो है वो शीशे के सामने अपने आप को देख रहा होता है, तो कहीं जो है वो मैं बुरा तो नहीं लग रहा, कहीं मैं ये तो नहीं लग रहा, वो तो नहीं लग रहा। तो जब बार बार शीशे के आगे जाके देखना, कपड़े उतार के देखना, खुद से देखना, अपनी आंखों को बार बार देखना, ये तमाम चीजें जो है ये कंपल्शन में आ जाती है, बिहेवियर्स में आ जाती है। इसलिए इसको ये जो है मेन कॉन्सेप्ट है बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर का। अब हम इसको पढ़ भी लेते हैं। An individual with body dysmorphic disorder is preoccupied with perceived flaw in their physical appearance. यानी कि उनकी physical appearance में अंदर अगर कोई वो अपने आप जो है वो flaw perceive कर रहे होते, that is either non-existent, या तो वो बिल्कुल नहीं होता, और barely, hardly noticeable to other people, या बहुत मुश्किल से जो दूसरे लोग हैं वो उसको notice करते हैं। These perceived physical defects cause the person to think that they are unattractive, ugly, ठीक है, are deformed. अब ये जो परसीव फिजिकल डिफेक्ट है जो उसने अपनी बॉडी में परसीव किया हुआ है, उसको लग रहा होता है कि इस फिजिकल डिफेक्ट की वजह से जो है वो मैं बुरा नजर आ रहा हूँ, अगली नजर आ रहा हूँ, मैं अट्रैक्टिव नहीं नजर आ रहा। दीज प्री ऑक्यूपेशन कैन फोकस ऑन एनी बॉडी एरिया। ये जो प्री ऑक्यूपेशन है, ये जो उसको सोच होती है कि ये जो फलां जो बॉडी है मेरी वो सही नजर नहीं आ रही है, बॉडी का कोई भी एरिया हो सकता है, बट दे टिपिकली इन्वॉल्व द स्किन, फेस और हेयर। लेकिन आम तौर पर ये जो थॉट्स होते हैं, ये जो थॉट्स होते हैं कि मेरे ये जो बॉडी पार्ट्स सही नहीं है, वो आम तौर पर स्किन से रिलेटेड, फेस से रिलेटेड और हेयर से रिलेटेड होते हैं। The preoccupation with imagined physical flaws drive the person to engage in repetitive or ritualistic behavior and mental acts. अब ये जो फिजिकल फ्लॉज से रिलेटेड थॉट्स हैं, ये इंसान के अंदर बिहेवियर्स को, रिचुअलिस्टिक बिहेवियर, रेपिटेटिव बिहेवियर को जो है वो क्रिएट कर देते हैं। इंसान बार बार वो फिर वो बिहेवियर करता है, कौन सा बिहेवियर, सच एज कॉन्स्टेंटली लुकिंग इन द मिरर, बार बार वो अपने जो है वो शीशे में अपने आप को देखता है। ट्राइंग टू हाइड द ऑफेंडिंग बॉडी पार्ट्स, अपने जो है वो बॉडी पार्ट जिनको लग रहा होता है ना कि इसमें डिफेक्ट है मेरे बॉडी पार्ट में, उसको हाइड करने की, छुपाने की कोशिश करते हैं। कंपेरिजन विद अदर्स, दूसरों से अपने आप को जो है वो कंपेयर कर रहे होते हैं। एंड इन सम एक्सट्रीम केसेस कॉस्मेटिक सर्जरी, और बहुत एक्सट्रीम केसेस में जो है वो लोग इस तरह के बॉडी पार्ट से जिसमें उनको डिफेक्ट नजर आ रहा है उसको ठीक करने के लिए कॉस्मेटिक सर्जरी भी करवा देते हैं। Severely impairing quality of life, body dysmorphic disorder can lead to social isolation and involve specifically high rates to suicidal ideation. अब इस तरह के जो केसेस है, severe जिसमें जो मसला हो जाता है उसमें उसकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो सीवियरली इफेक्ट होती है, और इस तरह के जो लोग हैं बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर का शिकार होते हैं, वो अपने आप को सोशली आइसोलेट कर लेते हैं, किसी से मिलते जुलते नहीं, गैदरिंग में नहीं जाते, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जाने से कतराते हैं कि लोग उनको देखेंगे तो उनको लगेगा कि इसकी जो बॉडी है ये ठीक नहीं है, इसका फलां जिस्म का हिस्सा जो है उसकी फॉर्मेशन ठीक नहीं है, तो अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं, अलग थलग कर लेते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं, और बाज़ का तो ऐसे होता है सुसाइडल आइडिएशन उनके माइंड में, सुसाइडल थॉट्स उनके माइंड में आ रहे होते हैं, कि चूंकि वो सेटिस्फाई नहीं होते, वो जो थॉट्स होते हैं, जो ऑब्सेशंस होते हैं उनको वो तंग कर रहे होते हैं ब्रेन में, तो वो मरने के बारे में भी सोचना शुरू कर देते हैं। तो दिस इज बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर। बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें इंसान को लग रहा होता है कि उसकी बॉडी का कोई पार्ट या बहुत सारे पार्ट्स जो है वो सही से नहीं बने हुए, या उनमें कोई फ्लॉ मौजूद है, और वो उस फ्लॉ के बारे में बार बार सोचते रहते हैं। उस सोचने की वजह से उनके अंदर जो है वो एक फियर ऑफ क्रिएट हो जाता है, परेशानी क्रिएट हो जाती है, डिस्कम्फर्ट क्रिएट हो जाता है, एंजाइटी क्रिएट हो जाती है, और उस फिर डिस्कम्फर्ट, टेंशन, स्ट्रेस, परेशानी, एंजाइटी को दूर करने के लिए वो फिर ऑब्सेशंस करते हैं, बिहेवियर्स को करते हैं, जिनमें बार बार जो है वो शीशे को देखना, उसके अलावा जो है वो कॉस्मेटिक सर्जरी भी करवा लेते हैं, और उसके अलावा जो है वो अपने डिफेक्टिव बॉडी पार्ट्स जो उनकी नजर में डिफेक्टिव होता है उसको छुपाने की कोशिश करते हैं। दिस इज बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।